कभी FTII की ट्यूशन फीस भी नहीं चुका पाते थे ओमपुरी, 280 रुपए देने से भी करना पड़ा था इनकार। ओमपुरी आज भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन जब भी बॉलीवुड के महान और मंझे हुए एक्टर्स की बात होगी तो उनमें एक नाम ओमपुरी का भी होगा। इसी साल 6 जनवरी को 66 साल की उम्र में दुनिया छोड़ चुके ओमपुरी का जन्म 18 अक्टूबर 1950 को हरियाणा के अंबाला में एक गरीब परिवार में हुआ था। गरीब परिवार से होने के बावजूद उनके हौसले कम नहीं थे। वो बचपन से ही मन बना चुके थे कि एक दिन बॉलीवुड में नाम कमाना है। ओमपुरी ने अपने सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD से एक्टिंग के गुर सीखे और बाद में FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से आगे की पढ़ाई की थी। लेकिन शायद ही आप जानते होंगे कि ओमपुरी माली हालत खराब होने की वजह से FTII में ट्यूशन फीस भी नहीं चुका पाते थे। चलिए बताते हैं ओमपुरी की लाइफ के उन दिनों के बारे में। ओमपुरी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD तक पहुंचने के लिए भी काफी मेहनत की है। सभी जानते हैं कि वो बचपन में एक ढाबे पर बर्तन धोने को भी मजबूर थे और मामा ने भी घर से निकाल दिया था। बावजूद इसके ओमपुरी ने कभी हार नहीं मानी और NSD तक पहुँच गए। NSD में ही उनकी मुलाकात बीटाउन के दूसरे दिग्गज नसीरुद्दीन शाह से हुई थी और वो नसीरुद्दीन ही थे जिन्होंने ओमपुरी को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से आगे की स्टडी के लिए प्रेरित किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह ने ओमपुरी के बारे में बात करते हुए कहा था कि जब ओमपुरी ने FTII ज्वाइन किया तो उनके पास इतने रुपए भी नहीं होते थे कि वो कोई अच्छी सी शर्ट भी खरीद सकें। इसलिए उनके पास जो भी होता था वो वही पहनकर कॉलेज जा जाते थे। नसीरुद्दीन ने बताया कि रुपए न होने की वजह से FTII ज्वाइन करने के बाद भी काफी निराश रहते थे। वो ट्यूशन की फीस भी नहीं दे पाते थे। यहाँ तक कि कॉलेज ने ओमपुरी को 280 रुपए का कर्ज देने के लिए भी कहा था, लेकिन ओमपुरी ने माली हालत खराब होने की वजह से 280 रुपए भी देने से इनकार कर दिया था।